सही लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये नया फ्रॉक यानी गाउन मंगाया है, क्योंकि ये बोल रहे थे तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने ये मंगाया है अपने लिए। लेकिन मालूम है ये लोग डाउटफुल है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे रिटर्न कर दूँ। ठीक लग रहा है, रखूँ या रिटर्न कर दूँ? तुम्हारा क्या मन है? मैं कहा तो ठीक है, मैं पूरा दिखाती हूँ एक बार कैसा लग रहा है। नीचे तो सिंपल ही ऐसा है, ऐसा। ये दूसरी ड्रेस आई है, मैंने दो ही मंगाई थी, तो ये वाली है। ये वाली इनको ज्यादा पसंद आई है। मैं थोड़ा सा बाल बाल काट के आई हूँ, क्योंकि वो मैंने पहनी थी ना, तो ऐसी ही वेशभूषा में आउट है, तो ड्रेस भी नहीं ज्यादा अच्छी लगती। ये देखिए कुछ ऐसी है, पूरी लॉन्ग है। ये मेन चीज ये है कि पूरा ये मतलब लॉन्ग कुर्ती है, मैक्सी टाइप में नीचे तक पहन सकते हो। उस टाइम पे मुझे ऐसी की ड्रेस चाहिए थी, तो ये देखिए। तो मैंने सोचा था देख लेती हूँ सही आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर रिटर्न कर दूंगी। वो वाली कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो। नंदनी कैसी लग रही है ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। नंदनी से और पूछ लेती हूँ एक बार। नहीं, ये वाली जो कलर मस्त लग रही है और डिजाइन है। और ये अच्छी है, मतलब कपड़ा भी सॉफ्ट है। वो वाली बहुत सारी कोई पसंद नहीं आ रही, वो लंबी भी है थोड़ी, स्कर्ट वाली पड़ी है और नीचे प्लेन भी है। मैं सोच रही थी मैं नहीं जा पा रही हूँ मार्केट तो मंगा ही लूँ, लेकिन क्या है कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, जब घर मंगा लो चीज पहनो तब समझ में आती है। ना तरीके मंगाए थे ऑनलाइन सब उसके रखे हैं, अब तो मैंने दिखाए नहीं ना, अभी दिखा दे, अभी दिखा देना। एक कपड़ा नहीं पहना है इसने मंगाने के बाद, तो रोज पहन अच्छा लग रहा है। ये बांधने वाला नहीं है इसमें, सोच बीच में है तो ये डोरी से बंधे खींच के बनता है। अच्छा, और एक ये क्या ऐसे, ये भी कॉर्ड सेट है। और ये ऐसे जो नीचे पहन रखा है उसके साथ का ये है, ये तो अच्छा लग रहा है पूरा मैच में, इसमें क्या खराबी है? दोस्तों सब्जी वगैरह मैंने बना के रख ली है, चावल बनाना था क्योंकि चावल गरम गरम खाए जाते हैं, तो सब्जी मैंने पहले बना ली थी। और ये राइस कुकर मैंने, ये सिंपल राइस कुकर है इलेक्ट्रिक वाला, मैंने सोचा आज राइस कुकर में चावल बनाएंगे। तो जब आयान छोटा था तो चावल का बहुत शौकीन है, क्योंकि शुरू से ये चावल ही खाता था ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रिक वाले जो राइस कुकर होते हैं इनको कहीं भी ले जा सकते हो, बनाना है कहीं भी तो इनको कैरी भी किया जा सकता है, फटाफट से इसमें चावल बना सकते हैं। तो इसमें मैं आराम से उबाल लेती थी, अभी भी वो चावल का बहुत शौकीन है, लेकिन ये सिंपल है, इसमें ज्यादातर तक चावल गर्म भी नहीं रहता है। लेकिन आप गर्मा गर्म चावल खाने के जैसे शौकीन है, जैसे कि इनको चावल गर्म ही बहुत पसंद है, इसलिए मुझे चावल एकदम लास्ट में बनाने पड़ते हैं। लेकिन जैसे कि बाहर वगैरह घूमने जा रहे हो, सोच रहे हो खाना पहले बना के रख जाओ, क्योंकि बाहर से आते हो थक जाते हो, तो सोचते हो कि पहले खाना बना के रख दो। अब गर्म जिसको चावल खाने की आदत है, तो मैंने एक ऐसा राइस कुकर मंगाया है जिसमें आप बना के रखो, उसमें आप 12 घंटे तक वार्म भी रख सकते हो। तो ये रहा मेरा दूसरा कुकर जो कि मैंने मंगाया है, क्योंकि इसमें कई सारी फैसिलिटी और भी हैं जो कि आप इसमें चावल गर्म रख सकते हो। ये वाला भी जो राइस कुकर मंगाया है, ये है अगारो का इलेक्ट्रिक राइस कुकर, इसका मॉडल है रॉयल। इसमें बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, इसमें 5 प्रीसेट फंक्शन मिल जाते हैं। और इसमें जो पॉट दिया है वो सिरेमिक कोटेड है, इसका जो पॉट है वो सिल्वर का है। ये देखिए सिल्वर वाले पॉट में क्या होता है, जब इसमें चावल बनाओ ना तो चावल तली में थोड़ा वो चिपक जाता है, तो सिल्वर वैसे ही पता है आप लोगों को कि अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, लेकिन इसमें सिल्वर वाला ही मिला था। और इसका जो है, इसका देखिए, इसका जो राइस पॉट है वो बहुत अच्छा है। ये देखिए सिरेमिक कॉटेज है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस वाले राइस कुकर की। ये देखिए यहाँ पर इसमें ये मिल जाएंगे आपको मेजर करने के लिए, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये ऐसा है अंदर से कि इसमें चावल बनाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, क्लीन बिल्कुल निकलेगा। प्लस इसमें क्या है, आप 500 रॉ राइस मतलब आधा किलो 500 ग्राम कच्चा चावल बना सकते हो, और इसमें जो है आप 600 ग्राम कच्चा चावल डाल सकते हो एक बार बनाने में।
और इस वाले इलेक्ट्रिक कुकर में ऐसे सीरीज देखी जाए ना, तो इसमें आपको ये स्टीमर भी अलग से, स्टीम करने के लिए भी एक प्लेट मिल रही है, देख रहे हैं वाइट कलर की, राइस पॉट अलग से मिल रहा है, दो स्पून भी मिल जा रहे हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, देखिए दो इसमें इस तरीके से करछली भी है, और साथ में एक कप भी है मेज़रमेंट के लिए कि आपको जब राइस वगैरह देखना है कितना डालना है तो आप उतना नाप के डाल सकते हैं। मेन चीज़ ये है इसमें एक साथ दो दो चीज़ें भी बना सकते हैं, अगर नीचे चावल बनाने के लिए रख दिया है तो ऊपर आप कुछ भी स्टीम करना चाहते हैं, कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ भी, तो आप कर सकते हैं। इसमें मोमोज भी बना सकते हैं, आपको स्टीमर में लगाना पड़ता है, इसमें आप बंद करके रख दो और इसमें आपको सेटिंग भी मिल जाती है, आप सब कुछ सेट कर सकते हो, टेम्परेचर वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हो। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें जब चावल बनाते हैं ना, तो चावल बनाने से अगर ज़्यादा पानी हो जाता है, चावल ज़्यादा है तो नीचे कंटेनर में इकट्ठा होता है, कुकर बिल्कुल गंदा नहीं होता, जबकि सिंपल वाले में उबल उबल के ऊपर पूरा कुकर गंदा हो जाता है, जिससे डर भी रहता है। इसमें देखिए की बाम का ये सारे आपको राइस फंक्शन मिल जाएंगे, जिस तरह का चावल आपको जो बनाना है, जितना टेम्परेचर रखना है। लिड वाला इसका जो है कवर है, इसको लिड वाले कवर होने की वजह से क्या है कि आप इसको बंद करेंगे, स्टीम अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। इसमें ऐसा कोई कवर नहीं है, इसमें एक प्लेट ऐसा केवल कवर है, ढक्कन की तरह ढक देना है, लेकिन ये देखिए पूरा बंद हो जाता है, इसमें अच्छे से स्टीम बनती है, जिससे इसमें चावल भी बहुत जल्दी बनता है उसकी अपेक्षा। और ये देखिए इसके साथ मैनुअल भी मिल जाता है, सारी चीज़ें इसमें दी हैं, सेटिंग वगैरह की सब कुछ आप इससे पढ़ सकते हो, साथ में ये वारंटी कार्ड भी है। तो चलिए अभी मैं क्या है, इन दोनों में कंपेरिजन करा जाए ना, तो मैंने कहा एक एक कप चावल दोनों कुकर में रखेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों के चावल में क्या अंतर है। तो मैंने इस वाले में तो पहले भी बहुत बार बनाया है, इसमें जब बनाते इसमें पानी बहुत लगता है, जैसे कि ये मैंने एक कप चावल डाला है, तो मैंने अगर दोनों कुकर में सेम पानी रखा, क्योंकि एक कप चावल में मैं दो दो कप पानी डालूंगी, इसमें भी दो कप डालूंगी, उसमें भी दो कप डाले मैंने, लेकिन इस वाले कुकर को अभी देखिएगा जब चावल बने तो क्या होता है, और इस वाले कुकर में देखिएगा तो मैंने दोनों में दो दो कप पानी डाल दिया, जबकि उस वाले कुकर में जो सिंपल इलेक्ट्रिक कुकर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल दिया था, हल्का सा, क्योंकि मुझे पता है इसमें ज़्यादा लगता है। तो मैंने इसका ये वायर वगैरह फिट कर दिया है, बस ऑन करके छोड़ दिया है, इसमें अब कुछ नहीं करना है, चावल बंद हो जाएगा, टाइमर दिखाएगा, टाइम पर बंद कर देना है, इसका बस कवर ढक के ऐसे रख दिया, और बीच में ही देखे थोड़ी देर बाद पूरा पानी सूख चुका है, क्योंकि इसमें स्टीम अच्छे से नहीं बन पाती है। तो जितना पानी मैंने पहले डाला था उतना पानी मुझे फिर से डालना पड़ा है, और दोबारा से इसको बीच बीच में अगर नहीं चेक किया तो चावल पूरा नीचे जल जाएगा। और ये देखिए इसमें टाइम चल रहा है, इसका टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने खोल के देखा, चावल अच्छे से बन चुका है। की वॉर्म का ऑप्शन है कि जितनी देर गर्म रखना है, जब खाना है तभी आप इसको परोसे, और इसमें देखिए इसको मैंने चावल को खोला, ये देखिए कितने अच्छे से चावल पका है, चावल एकदम अंदर तक बहुत अच्छे से पक गया है, और जो इसका पैन है वो एकदम साफ निकला है, देखिए एकदम क्लीन है। लेकिन जब मैंने उस वाले का चेक किया तो वो चावल अभी भी खड़ा खड़ा है और काफ़ी टाइट टाइट लग रहा है, ये देखिए चावल उतने अच्छे से नहीं पका और नीचे चिपक भी गया है तली में जाके। तो ये डिफरेंस है दोनों की क्वालिटी में, जो चावल बनाते हैं हम दोनों कुकर में। दोस्तों आपने सिंपल जो इलेक्ट्रिक कुकर है वो देखा, और ये अगारो का जो इलेक्ट्रिक कुकर है रॉयल मॉडल का ये देखा, और दोनों में ही आपने फर्क भी देखा कि अगारो का जो इलेक्ट्रिक कुकर है रॉयल मॉडल का काफी अच्छा है, आप लोगों ने देखा इसमें चावल कितने अच्छे क्वालिटी के बने हैं, इसको आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं गर्मा गर्म चावल खाने के लिए। तो आप भी अगर एक बेस्ट इलेक्ट्रिक कुकर चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको अमेजोन में इजिली अवेलेबल है, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। तो अगारो का इलेक्ट्रिक कुकर रॉयल मॉडल का काफी अच्छा है, काफी सारा चावल भी बन जाता है, और इसमें आप मोमोज भी बना सकते हैं, कुछ चीज स्टीम करना हो स्टीम करके बना सकते हैं, और भी चीजें कुछ बनाना चाहते हैं सूप वगैरह वो भी बना सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें बनाई जा सकती हैं। और आज आंटी जी ना थोड़ा सा लेट आई हैं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन मौसी बोल देती हैं कि लेट आ जाओ, कुछ नहीं, क्योंकि सुबह नाश्ता वास्ता हो चुका था, इसलिए खाना आना थोड़ा सा लेट हुआ है। और यहाँ पर मौसी तो अभी मैं इनके लिए साड़ी ढूंढ रही थी, बोल रही थी कि कोई काम करने लायक हल्की फुल्की साड़ी हो वो मुझे ढूंढ के दे दो, तो मेरे पास काफ़ी भारी भारी भी है, तो मैं इन्हीं के लिए ढूंढ रही थी कि जो लाइट वेट साड़ी मिल जाए तो मैं दे दूँ। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी आपके ऊपर, इसके साथ जो ये येलो था वो कहाँ गई? वो भी उसी में है। हाँ, वो भी बहुत प्यारी लगती थी येलो, ये भी अच्छी लग रही है। आप ये दे सकते हो, बाकी दे सकते हो। काम वाम करने सब सही है, हल्की। हाँ, कलर भी अच्छा लग रहा है, हल्की ही हल्की है।
तो ये वाली अभी नंदनी निकाली है, काफ़ी हल्की भी है, काम वाम करने में ठीक है। तो एक मैंने ये निकाली है, एक और थी, तो ये दोनों साड़ी मैंने निकाल दी है, तो मैं इनको दे दूंगी अभी। काजू का पैकेट लेके आया है किचन से, ये खा लिया है नंदनी? खा लिया है, खत्म हो गया क्या? वो फ्रिज से निकाल निकाल के खा लेता है, पैकेट नीचे डाला ना तो उसे बड़ा शौक हो गया, कैसे खत्म हो गया? क्या कह रहा है? कैसे खत्म हो गया? विश्वास नहीं हो रहा है खत्म हो गए। कूड़े में फेंक दो, अब नहीं है उसमें कुछ। दोस्तों दवा खाने के बाद दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा नींद आती है मुझे, इस टाइम पे मैं जैसे ही खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद ही मैं पूरी ऐसे चित्त हो जाती हूँ, बहुत भयंकर नींद आती है। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा नींद खुली तो मैंने पानी वानी पिया उठ के, और पानी वानी पीने के उठ के बाद पता है वीडियो बना भी लेती हूँ ना तो एडिट नहीं कर पाती हूँ, नींद आती है सो जाती हूँ। शायद थे कि वीडियो नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट को लेके टेंशन में। तो मेरी डॉक्टर ने रिपोर्ट करवाई थी, ये उसमें सर्विक्स लेंथ चेक करवाई थी, जो सर्विक्स लेंथ थी मेरी, जो सर्विक्स लेंथ थी स्टार्टिंग में 3.8 थी और जो इस बार आई है वो आई है 3.1। ये देखिए इधर पे, ये एकदम बॉर्डर लाइन पे जो होती है ना आपकी उतनी है, और इसकी सर्विक्स लेंथ थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए इस टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपका टाइम नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे आपकी सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, तो वही अभी कम है। तो कुछ नहीं, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका यूट्रस है, उसकी बनावट के हिसाब से ये आपकी सर्विक्स की लेंथ है, उसमें ना डॉक्टर बढ़ा सकते ना घटा सकते, कुछ नहीं कर सकते। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी भी आपको ज़्यादा चहलकदमी नहीं करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा है कि हल्का फुल्का काम करके रेस्ट ही करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, तो बस। लेकिन आपकी जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो नेचुरल होती है, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते आपके यूट्रस के साइज़ वगैरह के हिसाब से, तो बस उसमें ये डॉक्टर यही कहते हैं कि ज़्यादा चहलकदमी मत करो, उतना ज़्यादा आना जाना ऊंचा नीचे नहीं करो, हल्के हल्के काम करो, आराम से करो, और यही बचाव करने के लिए बोलते हैं और कुछ नहीं कहते। बस ऐसे ही है कि जब तक टाइम पे रहेंगे ना उतने दिन आपको टेंशन रहेगी ही इस चीज़ को लेके, तो वो नेचुरल है, टेंशन है ना उससे तो हम बच नहीं सकते हैं। और मैंने अपने लिए छाछ का पैकेट रखा था पीने के लिए, जो कि मैंने नहीं पिया है क्योंकि ठंडा था काफ़ी। इसमें दिक्कत ये होती है जो हम पैकेट वाला छाछ पीते हैं ना, मतलब इतना ठंडा मौसम भी है, अगर ये बाहर रखा रह जाए, मतलब जैसे सुबह रख दिया आप शाम तक पी रहे हो, तो मतलब ताज़ा ताज़ा पी रहे हो तो खट्टा जैसा हो जाता है, बहुत खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, तब ये अच्छा नहीं लगता है। और इसका पैकेट भी ना जब खट्टा होने लगता है तो फूला फूला सा हो जाता है, पैकेट भी फूल जाता है, तो इसको आप डेट निकलने से पहले ताज़ा ही ताज़ा पी लो। अगर ये 3-4 पैकेट ले आए तो फिर वो नहीं पी पाता है, रह जाता है, तो जो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है तो उसको हम कढ़ी में या सब्जी में ऐसे डाल के भी यूज़ कर लेते हैं।